आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया, इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया, इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब हम आजादी के 78वें इस स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका दायित्व तो बनता है, जो पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है, ये पंच प्रण के संकल्प में अंतिम संकल्प नागरिक कर्तव्य से है। हर नागरिक जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व सुरक्षा के उस गुरुतर दायित्व को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लेकर के चलना है। हम उस फील्ड में अपना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करें। जो सेवा के क्षेत्र में है, वे सेवा के क्षेत्र में अपने उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहा है और करता है, तो कोई कारण नहीं कि जो हमारी भारत को दुनिया की 2047 तक, जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय हम एक ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा। लेकिन विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा।